तिलक हो रहा था तो वनवास मिला। वनवास के अंदर अत्रि मुनि के आश्रम पर गए, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि हैं उनके आश्रम पर। तो अत्रि मुनि ने श्री भगवान को यह कहा, आप रघुनंदन पुष्कर जाओ और पुष्कर के अंदर अभियोगा नाम की बावड़ी है, वहाँ पे आप जाकर के अपने पिता का निदान करें। सुधाबाई स्थित गयाकुंड पर मंगला चौथ को प्रेत मुक्ति के लिए भरा मेला। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कुंड में स्नान कर अपने पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए किया पिंडदान। बूढ़ा पुष्कर के नज़दीक सुधाबाई स्थित गयाकुंड में मंगलवार को मंगला चौथ के अवसर पर भूत प्रेत मुक्ति का मेला भरा। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कुंड में स्नान कर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान भी किए। ऐसी मान्यता है कि जब भी चौथ और मंगलवार का संयोग होता है तब गया माता साक्षात गया कुंड में निवास करती हैं। सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा ने पद्म पुराण में कहा है कि यहाँ पर पिंडदान और श्राद्ध करने से भटकती आत्माओं को मुक्ति मिलती है। भगवान राम ने भी ऋषियों के बताए गए मार्गदर्शन के अनुसार इस बावड़ी में अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था। ऐसा करने से राजा दशरथ की आत्मा को शांति मिली, तभी से इस पावन बावड़ी पर लोगों का विश्वास बढ़ गया। हजारों वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब अपनी पीड़ाओं की मुक्ति के लिए इस बावड़ी पर उमड़ पड़ता है। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी मंगलवार है, आज के अंगिरा तिथि नाम है इसका। यहाँ पे भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ जी के बालों में पिंडदान किया। भगवान श्री राम को जब राजतिलक हो रहा था तो वनवास मिला। वनवास के अंदर अत्रि मुनि के आश्रम पर गए, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि हैं उनके आश्रम पर। तो अत्रि मुनि ने श्री भगवान को यह कहा, आप रघुनंदन पुष्कर जाओ और पुष्कर के अंदर अभियोगा नाम की बावड़ी है, वहाँ पे आप जाकर के अपने पिता का पिंडदान करो। यहाँ पे पिंडदान का महत्व है, पिंडदान किया जाता है। यहाँ पे जो भी प्रेतात्मा होती है, अंतरात्मा होती है, अकाल मृत्यु होती है, उन सब की मोक्ष गति है। और क्या महत्व है इस जगह का? चतुर्थी मंगलवार और शुक्ल पक्ष को पुष्कर के पास में गयाकुंड स्थान है, जो गया माता जो बिहार में है वो आज के दिन पुष्कर में विद्यमान रहती है। गया माता में स्नान करने से अदृश्य आत्मा का जो निवारण किया जाता है और जिन प्राणियों की मोक्ष की हुए स्नान तर्पण पिंडदान करने से पितरों की मोक्ष होती है। और भगवान रामचंद्र जी ने इसी गया कुंड पे, जिसको अवियोगी नाम की बावली बोलते हैं, यहाँ पे बैठ के भगवान रामचंद्र जी पिंडदान दिया था और दशरथ जी का मोक्ष किया था। और जब पिंडदान दिया तो भगवान जब पिंडदान दे रहे थे तो जानकी जी को दर्शन हुआ। जानकी जी झाड़ी में जाके छुप गई। भगवान ने पूछा कि आप झाड़ी में क्यों छुप गई? जब भगवान को बताया कि ससुर जी वगैरह मेरे को दर्शन दिए तो मैं उनके दर्शन सामने कैसे बैठ सकती हूँ? तो जो भी आत्मा है जो अधोगति अकाल मृत्यु किसी प्रकार की जो मोक्ष की वांछन रखते हैं उन सबका यहाँ पिंडदान देने से मुक्ति प्राप्त होती है और परिवार में सुख शांति होती है। कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ? ये सभी जगह से आते हैं। मतलब क्या है कि अपने राजस्थान का तो लोग आता ही है, लेकिन दिल्ली से भी वगैरह यात्री वगैरह आते हैं। और विशेषकर जो चतुर्थी मंगला चौथ का नाम से फेमस है, इस दिन बड़ी भारी भीड़ पड़ती है और हर यात्री यही चाहता है कि मंगला चौथी आवे और हमारे पितरों का हम सदगति करें।